बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र माने जाने वाले राज्य के मंत्री संजय कुमार झा ने शुक्रवार को खुलासा किया कि मुख्यमंत्री ने हाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में जनवरी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने यहां पार्टी कार्यालय में उक्त जानकारी दी। झा ने 19 दिसम्बर को दिल्ली में शीर्ष जदयू नेता नीतीश के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे। झा ने कहा, बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने विचार व्यक्त किया कि सीटों का बंटवारा जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों का खंडन किया कि नीतीश इंडिया गठबंधन का संयोजक नामित नहीं किए जाने से नाराज हो गए थे और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर चलाई जा रही नाराजगी की खबरें बेबुनियाद और आधारहीन है। दिल्ली में लगभग 3 घंटे इंडिया गठबंधन की बैठक चली और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ लोग ही प्रेस को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं से मिलकर और उनका अभिवादन कर बैठक से बाहर निकले। झा ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं तथा उन्होंने अपने निजी प्रयास से ऐसे राजनीतिक दलों को भी एक मंच पर लाया जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कई बार स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी भी पद की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना ही उनका उद्देश्य था, जिसमें वह निसंदेह कामयाब हुए।